राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये दोरंग का डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको छोटे बच्चे के कार्डिगन में डाल सकते हो, लेडीज़ कार्डिगन में भी डाल सकते हो, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल सकते हो। ये आप जैसे लेडीज़ कोटी का बॉर्डर भी बना सकते हो। छह फंदे का एक डिजाइन है ये। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, पहली सिलाई से बना के दिखाऊंगी आपको। पहले हमें पांच फंदे, ये कोने वाला बनाना चाहो बना लो, स्लिप करना चाहो स्लिप कर लो, उल्टा सीधा जिस तरह बनाओ। मैं बना रही हूँ पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार और एक पांच, पांच फंदे सीधे। फिर एक फंदा जिस रंग का धागा लगाएंगे, एक फंदा वो बना लेंगे। अब ये छह फंदे हो गए, पांच फंदे गरे रंग के बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा नीले रंग का बना लिया। अब एक डिजाइन छह फंदे का, यही छह फंदे आगे बना रहे हैं हम पूरी सिलाई में। फिर पांच फंदे, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा गरे नीले रंग का बना लेंगे। अब जिस तरह दो रंग का धागा लगाएंगे हम, फंदों को ऐसे कर लेंगे सिलाई पे, खिंचा खिंचा नहीं बनेगा। फिर ये अगर हम यूं करके बनाएंगे तो खिंचा खिंचा बनेगा हमारा। अब देखो कहीं से भी नहीं खिंच रहा, ये ढीला करके रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच, और ये दोनों धागे साथ साथ चल रहे हैं। कई डिजाइन ऐसे हुए हैं, हम दो रंग का डिजाइन बना रहे हैं, एक धागा चलेगा। अब इस डिजाइन में दोनों धागे चल रहे हैं, तीन चार और एक पाँच। अब पांच फंदे इस तरफ आ गए। एक ये डिजाइन को सेट करने के लिए डिजाइन हमारा यहाँ तक हो गया, ये डिजाइन भी यहाँ तक हो गया, ये पांच फंदे ज़्यादा डाल रखे हैं। अब आगे दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में जो फंदे हमने जिस रंग के बना रखे हैं उसी रंग से बना देंगे। पांच फंदे गरे बना लिए, फिर आगे एक फंदा नीले रंग का। अब ये धागा ऐसे कर लेंगे, खुला खुला नहीं बनेगा फिर ये, या मोरी नहीं बनेगी। फिर आगे पांच फंदे, अगर आप बीच में ये धागा थोड़ा लंबा लग रहा है, बीच में अगर दबाना चाहो तो ऐसे दबा भी सकते हो, जैसे ये धागा हम आगे ले आए, ये दब गया हमारा, देखो छोटा हो गया। वैसे पांच फंदे बनाने के बाद तो ये इतना बड़ा भी नहीं लग रहा है, ठीक है इतना। अगर दबाना चाहो तो आप दबा भी सकते हो इसको। एक नीला, फिर पांच फंदे गरे, एक नीला, फिर पांच फंदे गरे। अब ये दूसरी सिलाई है, उल्टी सिलाई है। अब ये सिलाई भी हम पूरी इस तरह बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हमें चार फंदे गरे के बना दिए। अब एक फंदा ये नीला बना लेंगे, एक ये फंदा, एक एक फंदा मिला लेंगे दोनों तरफ से। अब नीले फंदे हम तीन बनाएंगे, एक दो तीन। आगे फिर बीच में ये पांच फंदे थे, एक फंदा इधर मिला लिया, एक इधर मिला लेंगे, तीन फंदे बच गए गरे, एक दो तीन। अब तीन नीले तीन गरे, तीन नीले तीन गरे। अब ये तीसरी सिलाई को हम इस तरह उतारेंगे, एक दो और एक इधर वाला मिला लिया तीन, फिर तीन फंदे गरे आगे, एक दो तीन, फिर तीन फंदे नीले आगे, एक दो तीन। दोनों कोने पे चार चार फंदे आएंगे गरे, बीच में तीन तीन आएंगे। कोने पे हम जैसे एक ही तरफ से मिल रहा है ये फंदा, इधर कोई डिजाइन नहीं है, इस करके चार फंदे यहाँ आगे, बीच में तीन तीन आगे, फिर एक दो तीन, फिर तीन फंदे नीले, एक दो तीन, फिर कोने पे चार फंदे गरे बच गए, एक दो तीन
चार। अब आ गई चौथी सड़ाई, उल्टी सड़ाई। अब चौथी सड़ाई में हमें, अब ये चौथी सड़ाई में हमें एक दो तीन चार, और ये तीन फंदे जो नीले हैं उनको नीला बना देंगे, जो फंदे गरे हैं उनको गरे बना देंगे। तीन नीले आगे, तीन गरे आगे, उल्टे बना लेंगे ये सारे फंदे। तीन नीले, फिर तीन गरे, फिर आगे तीन नीले, फिर आगे तीन गरे, एक एक दो तीन, फिर तीन नीले, एक दो तीन, फिर चार फंदे, एक दो तीन चार गरे आ गए। अब आ गई पांचवी सिलाई, सीधी सिलाई। अब पांचवी सिलाई में एक दो तीन, अब एक फंदा इधर से मिला लेंगे, एक इधर से मिला लेंगे। अब ये नीले पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब एक इधर मिला देंगे, अब एक बच गया गरे ये बीच वाला। अब ये डिजाइन हो गया हमारा, पांच नीले एक गरे, पांच नीले एक गरे, एक एक दो तीन चार और एक पांच, पांच हो गए नीले। ये वाली गरे रंग की ऊन है जो, ये हमारी उसकी है, प्लाई वाली ऊन है ये। चार और एक पांच, फिर एक फंदा गरे आ गया एक, फिर आगे पांच नीले, एक दो तीन चार और एक ये पांच, फिर एक फंदा गरे, फिर आगे पांच फंदे फिर नीले, एक दो तीन चार और एक ये फंदा पांच। अब दोनों कोने पे तीन तीन फंदे गरे बच गए, बीच में एक एक गरे आ गया, एक दो तीन। अब आ गई छठी सड़ाई, उल्टी सड़ाई। अब छठी सड़ाई में हमें जो फंदे जिस रंग के बना रखे हैं इसी तरह बना लेंगे। तीन फंदे गरे, फिर पांच फंदे, एक दो तीन चार पांच नीले, फिर एक फंदा गरे, फिर पांच फंदे नीले। अब ये छठी सिलाई है, उल्टी सिलाई है, फिर एक फंदा गरे, फिर पांच फंदे नीले, फिर एक फंदा गरे, पांच फंदे नीले, एक दो तीन चार और एक पांच, फिर आगे तीन फंदे गरे। अब आ गई सातवीं सिलाई, सीधी सिलाई। अब सातवीं सिलाई में हमें सारे फंदे नीले बना लेंगे। अब एक बच रहा जो बीच में, एक एक, अब ये सारे हम नीले बना लेंगे। अब ये सातवीं सिलाई आ गई, सीधी सिलाई आ गई। अब ये कोण वाले भी सारे तीन हैं जो, इनको भी नीला बना लेंगे।
और आगे भी सारे फंदे नीले बना लेंगे। अब ये सातवीं सिलाई है। अब आ गई आठवीं सिलाई, उल्टी सिलाई। अब आठवीं सिलाई भी हमें सारे फंदे ऐसे उल्टे बना लेंगे नीले धागे से। ये डिजाइन हमारा 16 सिलाई का बनेगा। 8 सिलाई ये पूरी होगी। आगे फिर हम दूसरा डिजाइन शुरू करेंगे। डिजाइन इसी तरह शुरू करेंगे जिस तरह बना रहे हैं, इसी तरह बनेगा ये पूरा डिजाइन। बस थोड़ा सा रंग बदल देंगे हम। पहले हमने ग्रे रंग का धागा था नीचे, नीले धागे से बनाया था। अब हम ग्रे रंग के धागे से बनाएंगे, जैसे ये बना रखा बनाएंगे। इसी तरह इतने फंदे रखेंगे। अब कोने पे हम 5 फंदे नीले, 1 2 3 4 5। अब ये 9वीं सिलाई आगे हमारी। 8 सिलाई पूरी होगी, 8 सिलाई आगे बनेंगी। जैसे ये डिजाइन, ये यहाँ तक 8 सिलाई का यहाँ तक बन रहा था हमारा 16 सिलाई का। अब फिर जो ये फंदा, इसी फंदे को हम गरे बनाएंगे। बस धागा बदल दिया हमने। हमने पहली सिलाई में भी इसी तरह शुरू किया था। पहले हमारे 5 फंदे गरे बनाए थे, एक नीला बनाया था। अब हमने 5 नीले बना लिए, एक गरे बना लिया। यही 6 फंदे आगे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा ये नीला गरे हो गया। यही 8 सिलाई आगे बनेंगे हमारी। बस रंग बदल रहे हैं हम। अब फिर हमारी ये 16 सिलाई होगी। यही 16 सिलाई बार बार बनाएंगे तो बहुत अच्छा डिजाइन बनेगा ये। फिर 5 फंदे नीले, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा ऐसे गरे हो गया। फिर 5 फंदे नीले। फिर उल्टी सिलाई हमारी 10वीं सिलाई है। हमें इस तरह उतार देंगे, जो फंदे नीले हैं उनको नीला बना लेंगे, जो गरे हैं उसको गरे बना लेंगे। फिर आगे इसी तरह बनेगा। अब मैं ये डिजाइन बना लूँ, अगर इस तरह बना के दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। अब ये उल्टी सिलाई, 10वीं सिलाई उल्टी उतार दी। अब आ गई 11वीं सिलाई। अब 11वीं सिलाई को भी हम, अब ये 11वीं सिलाई आ गई हमारी। आगे फिर इसी तरह बना रहे हैं हम। अब आगे फिर हमारी ये 11वीं सिलाई आ रही है। तो 11वीं सिलाई को देखो, अब 3 फंदे नीले आ गए। अब ये फंदा भी गरे हो गया, ये बीच वाला भी गरे है। फिर एक फंदा इस तरफ से मिला लेंगे। फिर आगे 3 फंदे नीले, 5 फंदे थे जो नीले, उनमें से एक इधर से मिला लिया गरे, एक इधर से। अब ये फंदा गरे हो गया, ये गरे है जो, वो भी गरे, एक इधर से मिला लिया। अब 3 फंदे गरे हो गए हमारे 11वीं सिलाई में। फिर एक इधर से मिला लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 फंदे हो गए। फिर कोने पे हमारे 4 फंदे आ गए, दोनों कोने पे 4 4 आ गए, बीच में 3 3 आ गए नीले। 11वीं सिलाई है ये। अब आ गई 12वीं सिलाई। अब 12वीं सिलाई को भी हम इस तरह करेंगे। जो फंदे जिस धागे के बना रखे हैं उसी धागे से बना लेंगे। अब 3 फंदे गरे, 1 2 3 नीले, 3 गरे, फिर 3 नीले, 1 2 3, फिर 3 गरे, 1 2 3,
एक दो तीन, फिर तीन फंदे करे, अब कोने वाले चार फंदे नीले आ गए। अब ये होगी हमारी 12वीं सिलाई, 12 सिलाई उतार दी, अब 13वीं सिलाई आ गई। 13वीं सिलाई में फिर हम इस तरह बनाएंगे। अब बच गए यहाँ तीन फंदे नीले, पांच फंदे गरे आगे के नीला भी गरे बना लिया, आगे तीन फंदे गरे हैं जो वो गरे बना लिए, एक नीला इधर से मिला लिया, फिर आगे एक एक फंदा नीला बच गया, फिर पांच फंदे गरे हो गए। अब ये नीला जो गरे हो गया, अब पांच गरे एक नीला, फिर एक नीला, फिर पांच गरे, एक दो तीन चार, और एक ये गरे हो गया पांच, फिर एक नीला हो गया, एक दो तीन चार और एक पांच, फिर तीन फंदे नीले हो गए, दोनों कोने पे तीन तीन फंदे नीले आ गए। अब आ गई 14वीं सिलाई, जो फंदे नीले रंग के उनको नीला बना लेंगे, जो गरे रंग के उनको गरे बना लेंगे। फिर एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा नीला, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा नीला, एक दो तीन चार पांच, फिर एक फंदा नीला हो गया। अब ये 14वीं सिलाई है, उल्टी सिलाई है। अब ये 14 सिलाई हमें इस तरह उतार लेंगे। अब आ गई 15वीं सिलाई, अब फिर 15वीं सिलाई में भी हमें सारे फंदे गरे बना देंगे, बीच में जो एक नीला उसको भी गरे बना लेंगे। अब ये 15वीं सिलाई होगी, सारे फंदे ऐसे गरे बना देंगे, एक दो तीन, जो ये तीन थे ये भी और आगे भी सारे गरे बना देंगे। अब ये 16 सिलाई का डिज़ाइन बनेगा हमारा, यही 16 सिलाई आगे बनाएंगे हम बार बार, तो ये बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा। अब आ गई 16वीं सिलाई, अब ये 15वीं सिलाई थी, अब 16वीं सिलाई भी हमें सारे फंदे उल्टे बना लेंगे गरे रंग के धागे से। अब 16वीं सिलाई को भी सारे उल्टे बना देंगे। अब फिर ये 16 सिलाई होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी, आपको समझ आ ही गया, तो आगे फिर यही 16 सिलाई बार बार बनाएंगे तो ऐसा डिज़ाइन बनेगा। हाँ जी, मेरा डिज़ाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।